नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई जल्दी जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उसके पहले आप सभी जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्रिकेट के फैन हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई जल्दी जो है सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। शुरुआत करते हैं भाई विराट कोहली टीम पेन और पिंक बॉल की टेस्ट मैच से। यहाँ पे जो है टीम पेन ने विराट कोहली को चैलेंज किया था पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलने को लेके, जो कि जो है ब्रिस्बेन के मैदान गाबा में होने वाला था। इसको लेकर जो है विराट कोहली ने रिप्लाई किया है, बोला है वो जो है जरूर से खेलना पसंद करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल से टेस्ट मैच, लेकिन उसके लिए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। हम जो है ऐसे अचानक से खेल नहीं सकते है, जैसे कि जो है ऑस्ट्रेलिया में खेलने से पहले उनको जो है पिंक बॉल से एक प्रैक्टिस मुकाबला खेलने को मिला कि वहां की जो है उनकी जो होती है कंडीशन उसको जो है विराट कोहली समझ सके। मतलब कि यहाँ पर जो है मोस्ट लाइकली हमको जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में अगले साल डे नाइट टेस्ट मैच खेलने को देख के मिल सकता है, जो कि ब्रिस्बेन मतलब कि गाबा के मैदान में हो सकता है। भाई अब जो है खबर तो आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे जो है एक और न्यूज आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे जो है जॉर्ज बेली जो है ऑस्ट्रेलिया के नेशनल टीम के सिलेक्टर बनने वाले हैं। यहाँ पे जो है मोस्ट लाइकली बहुत ही हाई चांसेस है जॉर्ज बेली जो है ऑस्ट्रेलिया के अगले नेशनल टीम के सिलेक्टर बनेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होने वाली है। तो भाई यहाँ पे जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के डे नाइट टेस्ट मैच में जो है संजय मांजरेकर और हर्षा बोगले के बीच में जो है लाइव कमेंट्री के दौरान तू मैं और बहसबाजी हो गई। यहाँ पे जो है किसी जो है विवाद को लेके बातचीत छिड़ गई, उसके बाद जो है संजय मांजरेकर भाई ये जो है रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेते। यहाँ पे जो है मांजरेकर ने बोल दिया हर्षा बोगले को कि मैंने जो है क्रिकेट को खेला है तो मुझे जो है इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है एज कम्पेयर टू हर्षा बोगले, लेकिन भाई अगर मेरे से पूछे तो मैं जो है हर्षा बोगले को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। एक जो है हर्षा बोगले इस क्रिकेट की इंडस्ट्री के काफी अच्छे नाम है, वॉइस ऑफ द क्रिकेट भी कहते हैं हर्षा बोगले को, लेकिन भाई जो मांजरेकर थे उन्होंने हर्षा बोगले की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी, लाइव जो है कमेंट्री में उनको सुना दिया। बाद में जो है हर्षा बोगले ने कुछ भी नहीं कहा, शांति से जो है मामले को ठंडा कर दिया, लेकिन भाई जो फैंस लोग थे वो जो है ट्विटर पे संजय मांजरेकर को बराबर से लपेट रहे थे। तो आप सभी का इसके ऊपर क्या कहना है आप जो है बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। अब बात करते हैं भाई सुनील गावस्कर और विराट कोहली की। यहाँ पे जो है गावस्कर ने विराट कोहली को स्लैम किया है, मतलब कि उनको सुनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पिंक बॉल से टेस्ट मैच जीतने के बाद जो है विराट कोहली ने इंटरव्यू दिया, कहा ये जो जीत थी विराट कोहली ने दादा मतलब कि सौरव गांगुली के आने के बाद से जो है विराट कोहली और टीम इंडिया ने जो है विनिंग कल्चर को अपनाया, मतलब कि गांगुली जो है सन 2000 में जो है भारत के थे कैप्टन, तब से जो है टीम इंडिया को विनिंग की हैबिट हुई है। इसको देख के जो भाई गावस्कर भड़क गए, उन्होंने बोला विराट कोहली शायद से आपको नहीं पता इंडिया जो है 1970s और 1980s में भी जो है लगातार विनिंग कल्चर उनके अंदर था, जब सुनील गावस्कर और कपिल देव भी खेलते थे, तब ऐसे में जो भाई गावस्कर ने विराट कोहली को सुनाया था। तो आप लोग भाई अब यहाँ पे जो सोचते रहेंगे कि टेस्ट मैच जो है 3 दिन में खत्म हो गया, तब डे 4 और डे 5 का टिकट क्या हुआ? जो लोग भाई उसको खरीद लिए उनको जो है बिल्कुल भी बात नहीं है घबराने की। यहाँ पे जो है बंगाल क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन जो है डे 4 और डे 5 की जो टिकट जिसने बुक किया था उसको जो है उसका रिफंड पैसा बराबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई उमेश यादव की। यादव जो है भाई गजब के फॉर्म से गुजर रहे हैं, यादव ने जो है एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। उमेश यादव अपने घर पे, घर मतलब कि इंडिया में जो है लगातार 10 टेस्ट पारियों में जो है उमेश यादव मिनिमम 2 विकेट झटकाते हुए आ रहे हैं और ये जो है बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इसके जो है पहले ये रिकॉर्ड नाम पे था वो था वेस्ट इंडीज के लेजेंड प्लेयर सर कटनी वॉल्स के द्वारा। यहाँ पे जो है कटनी वॉल्स जो है लगातार 12 इनिंग में अपने घर पे मिनिमम 2 विकेट झटकाते थे टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ पे जो है एक छोटी सी हल्की सी न्यूज आ रही है धोनी को लेके। यहाँ पे जो है धोनी फिलहाल मौजूद है झारखंड क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन में, वहाँ पे जो है धोनी अपने दोस्त उनके जो है प्लेयर उनको जो है बैटिंग की टिप्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धोनी जो है फिलहाल काम कर रहे हैं युवा पीढ़ी के साथ में झारखंड क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन में।
भाई अब बात करते हैं डिविलियर्स की, तो यहाँ पे जो है डिविलियर्स 2019 में जो है T20 में कुल 38 इनिंग्स खेली और इस जो है इनिंग में डिविलियर्स ने 1339 मतलब कि 1339 रन स्कोर किए। ऐसे में जो है इसमें एक सबसे खास बात ये है, इन 38 पारियों में जो है भाई डिविलियर्स का जो एवरेज है वो है भाई 51 का और जो स्ट्राइक रेट है वो है भाई 150 के पार। तो आप जो भाई सोचिए किसी भी प्लेयर का एवरेज अगर 50 का हो उसका स्ट्राइक रेट 150 का हो तो ये कितनी बड़ी बात है। फिलहाल जो है डिविलियर्स इकलौते ऐसे प्लेयर है ये साल। अब बात करते हैं भाई T10 लीग की, तो यहाँ पे जो है अच्छी खबर आ रही है। युवराज सिंह, ड्वेन ब्रावो, क्रिस लिंग की जो टीम थी मराठा अरेबियंस वो जो है बन चुकी है T10 लीग की नई चैंपियन। इसमें जो है युवराज सिंह मौजूद थे, ड्वेन ब्रावो मौजूद थे और खास करके मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जिसको मिला है वो थे क्रिस लिन। लिन जो है लगातार इम्पैक्ट पारी खेल रहे थे जिसको देखते हुए लिन का जो ऑक्शन वाला है वो दोस्तों काफी मजेदार ऑक्शन होगा। अब भाई खबर आ रही है टॉम बेंटन को लेके। यहाँ पे जो है टॉम बेंटन ने एक बात साफ कर दी है कि वो जो है अपना नाम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में देने वाले हैं। उसी के साथ जो भाई बेंटन ने बोला है कि वो जो है मुंबई इंडियंस की टीम में खेलना पसंद करेंगे बहुत ही ज्यादा। तो अब देखते हैं भाई मुंबई की टीम बेंटन को किस तरीके से ऑक्शन से पिक करती है, लेकिन बेंटन ने अपनी राह रख दी है कि वो जो है मुंबई से खेलना ज्यादा पसंद करेंगे। अब भाई खबर आ रही है पंजाब क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन से। यहाँ पे जो उन्होंने 2020 और 21 जो है सीजन के लिए कुल 30 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर का नाम शामिल किया है, जिसके अंदर कुल अपने जो है कुल तीन क्लास रहेंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में जो है कुल 10 प्लेयर रहेंगे, उनकी जो है पूरे साल की जो इनकम रहेगी वो उनको मिलेगी कुल 8 लाख रुपीस। भाई जो क्लास बी में रहेंगे उसमें भी 10 प्लेयर रहेंगे लेकिन जो उनकी साल की इनकम रहेगी वो रहेगी 6 लाख रुपीस। अब बात करते हैं क्लास सी की। क्लास सी में जो है कुल अपने जो है 10 प्लेयर रहेंगे लेकिन जो उनकी इनकम रहेगी वो रहेगी एक मंथ की 10,000 रुपीस, उनको जो है मंथली इनकम मिलेगी। अब भाई बात करते हैं कुछ खबर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। शुरुआत करते हैं भाई हम लोग नवदीप सैनी से। सैनी जो है कम्प्लीटली फिट है और भाई सैनी जो है कल के मुकाबले में दिल्ली की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए, ये जो है काफी अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी शॉ के ऊपर। शॉ जो है भाई जब से वापसी की है बैन के बाद 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं, तो काफी अच्छे फॉर्म से पृथ्वी शॉ भी गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं भाई देवदत्त पाडिकल की। भाई ये जो खिलाड़ी है काफी ज्यादा मुझे आ रहा है पसंद, ये जो है लगातार हर मैच में हाफ सेंचुरी मार रहे। आज भी जो है भाई पाडिकल ने काफी अच्छी पारी खेली, जब केएल राहुल, मनीष पांडे सस्ते में आउट हुए उसके बाद जो है भाई पाडिकल ने अपनी टीम को संभाला और हाफ सेंचुरी मारी। अब बात करते हैं भाई मुंबई की। मुंबई ने जो है भाई फर्स्ट टाइम कर्नाटका को हराया T20 के मैच में, जो कि आज के दिन हराया था आज के मुकाबले में। उसके अंदर भाई जो है सूर्य कुमार यादव क्या पारी खेले भाई, चेजिंग के दौरान जो है यादव ने बहुत ही शानदार पारी खेली और मुंबई को जो है जीत दिलाई। उसी साथ जो भाई मनीष पांडे जो है T20 में ये साल लगातार 18 मुकाबले जीते थे, लेकिन उस 18 मुकाबले के विनिंग स्ट्रीक को जो है मुंबई की टीम ने तोड़ दिया, ये जो है रिकॉर्ड भी टूट गया। अब भाई बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की। यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड ने काफी शानदार जीत दर्ज कर ली फर्स्ट टेस्ट मुकाबले में, जहाँ पे जो है पांचवें दिन नील वैगनर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, 5 विकेट झटके। लेकिन भाई एक जो है उनके लिए सैड न्यूज आ रही है, ट्रेंट बोल जो है शायद से सेकेंड टेस्ट मुकाबला मोस्ट प्रोबेबली मिस कर सकते हैं ड्यू टू उनको जो है इंजरी हो गया राइट हैंड के रिप पे। तो ऐसे में जो है ट्रेंट बोल्ट सेकेंड टेस्ट मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए शायद से मिस करने वाले। उसी के साथ जो भाई एक बड़ी खबर आ रही है जोफ्रा आर्चर को लेके। भाई यहाँ पे जो है आर्चर ने एक किया है कंप्लेन, बोले है जब वो कर रहे थे जब वहां पे जो उतरे थे ग्राउंड पे उसके बाद जो है जो थे न्यूजीलैंड के उसको बोल सकते हैं हम लोग क्राउड लोग, वो जो है भाई आर्चर को रेसिस्ट कर रहे, मतलब कि वो जो है काले थे उनके ऊपर जो है काले गोरे का जो है हम बोल सकते हैं रेसिज्म उसके ऊपर सवाल उठे थे। तो बाद में जो भाई ये जो है काफी बुरा है, इसको भाई देखते हुए न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली जो है जोफ्रा आर्चर और पूरे इंग्लैंड की टीम से माफी मांगी, क्योंकि ये जो है रेसिज्म फिलहाल इस दुनिया में काफी बुरा है।
दोस्तों यहाँ पे जो है अफगानिस्तान ने अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वेस्ट इंडीज के साथ, जो कि आप सभी देख सकते हैं। उसके अंदर खान साहब मतलब कि राशिद खान जो है आप सभी को कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। पूरा स्क्वाड आप सभी आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई आज के फैक्ट की। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का वो पहला ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसने जो है पिंक गेंद में फर्स्ट सेंचुरी मारी थी, तो आप बोलेंगे भाई विराट कोहली। जी नहीं, विराट कोहली तो मारी है, बात तो सही है, लेकिन 2011 में जो है एमसीसी वर्सेस नॉटिंगम शायर का मैच था जिसके अंदर जो है राहुल द्रविड़ खेल रहे थे एमसीसी की टीम की तरफ से। तब भाई 2011 में जो है राहुल द्रविड़ ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंडियन थे जिसने सेंचुरी मारी थी पिंक गेंद से 2011 में। ये तो भाई आज का फैक्ट। मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में, बहुत सारी न्यूज आप सभी के लाता रहूंगा। आप बस लाइक किए, सपोर्ट किए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।